हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल किचन मास्टर में। तो आज हम बनाएंगे आम के अचार। तब आम के अचार बनाने के लिए यहाँ पर दो बड़े साइज के आम ले लिए हैं, जो कि मेरा वजन में 800 ग्राम है। तो इसको हम क्या करेंगे, छील देंगे, छील के और पीसेज में काट के फिर हम आपको दिखा। तो देखिए, हम दोनों आम को छील लिए हैं, छील के पीसेज में काट लिए हैं। तो इसको हम 2 घंटा के लिए धूप में रख देंगे, उसके बाद फिर हम मसाला। तो हम लोग गैस के पास आ गए हैं और यहाँ पे मम्मी ने एक कढ़ाई ले लिया है और इसके अंदर मम्मी 2 चम्मच या फिर 3 चम्मच पास तेल दिए। जो आप ऑयल खाते हैं वो ऑयल नहीं यूज़ करना आपको, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना, मतलब कोई भी अचार में मस्टर्ड ऑयल पड़ता है। हाँ, क्योंकि सरसों का तेल ही पड़ेगा इसमें और कोई और कोई तेल नहीं, अचार रिफाइन से नहीं बनता। हाँ, तो ये ऐसे अचार बना रहे, हम लोग संग संग खाना शुरू कर देंगे। और ये हमारा है 5 फोरन, सौंफ, सॉरी सौंफ, मम्मी सॉरी सॉरी हमको नहीं पता था सौंफ है ये, तो मम्मी इसके अंदर डाल दिए वो। यहाँ पे मम्मी सौंफ डाल दी, जो कि हम देख सकते हैं सौंफ पक गया है। और ये हमारा आम है, जो कि हम लोग लिए हुए थे, पीसेस में कट किए हुए थे, तो इसको हम लोग इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा देर नहीं, 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। तो अब इसके अंदर हम लोग नमक डालेंगे, तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, आपको जितना लगेगा उतना। और फिर हम डालेंगे तो अब मम्मी इसके अंदर हल्दी डाल दी है, 1 छोटा चम्मच से मम्मी डाल दी है, देख सकते हैं 1 चम्मच दी है मम्मी। तो हमें 1 छोटा चम्मच से 1 चम्मच हल्दी दिए हैं और हल्दी लेने के बाद हम उसके लिए इसको भूज लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो अब इसमें हम लोग चीनी डालेंगे, तो मम्मी यहाँ पे चीनी प्लेट में ले लेंगे, जैसे ज़्यादा चीनी नहीं लेंगे, खट्टा मीठा हल्का आँचा लेना, मीठा आँचा खट्टा मीठा। तो ये हमारा खट्टा मीठा अचार बनेगा आम का। तो हम लोग ज़्यादा चीनी नहीं, कितना चीनी, 100 ग्राम होगा, तो हम लोग सिर्फ इसके अंदर 100 ग्राम चीनी डाले हैं, ज़्यादा नहीं। तो इसके अंदर हम लोग डाल देंगे, तो अब मम्मी इसको मिक्स कर लेगी, जो मसाला मम्मी डाल दी है इसको, और इसके अंदर भी और मसाला देना बाकी है, तो मम्मी अभी वो भी डाल देगी। कौन सा मसाला है? ये जीरा है, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा है। तो ये जीरा पाउडर है, जो कि हम मम्मी भून के घर में ही बनाई है इसको, भूज के। हाँ, तो जीरा को फ्राई करके, मतलब ऐसे तवा में या फिर कढ़ाई में फ्राई करके ये जीरा पाउडर मम्मी बनाई है। और ये क्या है? सौंफ पाउडर, ये भी भुना हुआ है। हाँ, तो ये भी सौंफ पाउडर है, इसको भी हम लोग 1 चम्मच डाले हैं, भुना हुआ था, मतलब कि ये भी फ्राई करके पेस्ट बनाया है। ये लाल मिर्चा पाउडर है, और ये लाल मीठा अपना टेस्ट के स्वाद के अनुसार डालिएगा। और ये लाल मिर्च पाउडर है, तो आपको जितना चाहिए खाना उस हिसाब से आप लोग डालिएगा। तो मम्मी यहाँ पे जितना भी मसाला लिया सबको तवा में तो कढ़ाई में फ्राई करके उसके बाद उसको पाउडर बना के रखेंगे। हमारे चैनल के अनुसार जितना चार में सब दिया हुआ है, भुना कर बताया गया। तो ये सब का मतलब, ये सब अचार हम लोग घर, मतलब सॉरी, हम लोग का जो मसाला ये सब घर में बनाती है मम्मी अपने हाथों से। तो ये सब फ्राई किया हुआ मसाला, भुना हुआ मसाला है, केमिकल एंड ऑल देकर बनाया हुआ मसाला नहीं है ये सब। तो अब इसको हम लोग कितना देर तक फ्राई करेंगे? बस 2 से 3 मिनट में मेरा अचार बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी है, 2 से 3 मिनट तक। अब ये इसको हम लोग और फ्राई करेंगे, जब ये पक जाएगा तो पता चल जाएगा, मम्मी आपको बता देगी कि कैसे पता चलेगा आपको कि पक गया है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ईजी है, आप लोग इसको, अभी समर का सीज़न भी आ गया है, तो आप लोग इसमें बना के आराम से खाने पर या फिर नाश्ता पे या फिर किस टाइम भी आप लोग खा सकते हैं। और इसे आप लोग रख भी सकते हैं, है ना? कितना दिन तक रख सकते हैं? ये तो ख़राब नहीं होता है, 1 साल रह जाएगा आराम से। हाँ, तो आप इसको बना के 1 साल देख कर धूप दिखाने से रहिए। हाँ, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा नहीं है ना, पानी की एक जड़ा मात्रा नहीं है, थोड़ा 2 घंटा धूप में हम आम भी सुखा दिए हैं। तो
आप लोग देख सकते हैं इसका कलर तो चेंज हो चुका है, ये पूरा बन के रेडी हो चुका है। तो सब मसाला देने के बाद मम्मी इसको 3 से 4 मिनट इसको पकाई है अच्छे से, मीडियम फ्लेम पे इसको मम्मी अच्छे से पका ली है। तो ये अब रेडी टू सर्व है, मतलब कि पूरा बन के रेडी हो चुका है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो मैंने इसे कोई कटोरी या फिर किसी चीज़ प्लेट में नहीं इसको सर्व किया, मैंने इसे कढ़ाई में रहने दिया और इसको पंखा के नीचे रख के मैंने इसे ठंडा कर लिया, क्योंकि इसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। मम्मी बोल रही थी कि बिना ठंडा, मतलब बिना हम लोग ठंडा किए इसको जार के अंदर हम लोग नहीं डाल सकते। तो मैंने यहाँ पर एक कांच का जार लिया जो कि आप लोग देख सकते हैं, तो इसी कांच के अंदर हम लोग इसको डालेंगे और इसको ठंडा करके डालना है। गर्म करके आप डालिएगा तो मतलब ख़राब हो जाएगा, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो मम्मी देख सकते हैं, मम्मी एक कांच का जाल ले लिए, इसके अंदर इसको डाल ले रही है, इसको सर्व कर ले रही है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कांच के जार के अंदर मम्मी ने इसे सर्व कर दिया है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उतना अच्छा ये खाने में भी लगता है। आप इसे खट्टा मीठा है ये बहुत, और आप इसे किसी भी खाने के साथ इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगेगा। तो आप भी अपने घर पे बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको। धूप दिखाते रहिए, और इसको ना मेन प्रॉब्लम क्या है इसका, आप इसको धूप में हमेशा 1 से 2 घंटा तक दिखाते रहेगा ताकि ये ख़राब ना हो कभी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।